तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपका एक मसला हल करने वाला हूँ जो बहुत से यूट्यूबरों को पेश आता है कि आपके सब्सक्राइबर्स तो होते हैं लेकिन ना आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ये देखें, थोड़ा मैं स्क्रोल अप करके दिखाता हूँ। पहली वीडियो पर 1 व्यूज़, दूसरी वीडियो पर 6 व्यूज़, तीसरी वीडियो पर 24 व्यूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं आपकी। इसका मसला कुछ इस तरह होता है कि आपके ना जो से सब्सक्राइबर्स होते हैं वो फ्रीज हुए होते हैं। फ्रीज आपके सब्सक्राइबर्स इस तरह होते हैं कि आपकी कोई वीडियो वायरल होती है, उस पर सब्सक्राइबर्स आते हैं लेकिन वो अक्सर फ्रीज होते हैं। और कभी कभार आप ना अपना चैनल बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स तो आ जाते हैं लेकिन आपके व्यूज़ नहीं इंक्रीज होते। तो इस मसले का मैं हाल इस वीडियो में बताऊँगा। आपको सिर्फ एक सेटिंग करनी पड़ेगी वीडियो अपलोडिंग के वक्त, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आप आ जाएँ बैक। बैक आने के बाद आपने सीधा क्रोम में जाना है। क्रोम में आने के बाद आपने जाना है सर्च में। सर्च में आने के बाद आपने लिखना है बाय टी स्टूडियो लॉगिन। जैसे आप लिख लेंगे आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने ना ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा पहले नंबर पे, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ना बाय टी स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। फिर ना आपने थोड़ा सा इसको जूम करना है पेज को। जैसे आप पेज को जूम करेंगे आपको ना यहाँ पे ऊपर कोने में क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और अपलोड वीडियोस पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और जो सी वीडियो आपने अपलोडिंग के लिए बनाई है उस पर आपने टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने देखें अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपने टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है। इस पर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, वो मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूँगा। अभी आपने फ़िलहाल सी मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये देखें आपके सामने ना और सेटिंग्स आ गई हैं। आपने थोड़ा सा स्क्रोल अप करना है, यहाँ पे टैग्स वगैरह डालने हैं और जो सी सेटिंग का मैंने आपको बताना है वो आ चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये वाली सेटिंग, पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स। आपने ना इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अभी मैं बताता हूँ इस ऑप्शन को ऑफ करने का आपको क्या फ़ायदा होगा। इससे ये होता है कि आपके जो से होते हैं ना वीडियोज़ वगैरह, वो आपके फ्रीज जो से हुए होते हैं ना सब्सक्राइबर्स, उनको जाके शो होती हैं। तो जब वो आपकी वीडियो नहीं ना देखते तो YouTube को लगता है कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है। तो जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे ना तो आपकी जो सी वीडियोज़ देंगी वो उनके पास जाएंगी नहीं, नए व्यूज़ के पास जाएंगी। जब वो आपकी वीडियो पर देखेंगे तो फिर आपकी वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। इस ऑप्शन का खाली यही मकसद होता है कि आपके जो से सब्सक्राइबर हैं उनके पास वीडियो जाए या ना जाए। इस ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे तो नहीं जाएगी, अगर ऑन करेंगे तो चली जाएगी। तो जब आप सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को पब्लिश कर देना है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।